अरे कांता राव, ये बताओ वो जमादारिन कांतीबाई जो है वो तुम पर क्यों फिदा है? क्योंकि ये रोज उसे जिलेबी जो खिलाता है, यही राज है इस बच्चे का। हाँ। तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। पहली बार हम उस सड़क पे मिले, उसके बाद उस कंपटीशन में मिले, एक हफ्ता हो गया ना, तब से खाना पीना बंद, दिन रात तुम्हारी याद सताती रहती है, तुम्हारे बिना जीना दुश्वार हो गया है। आई लव यू। क्या तुम पागल हो? बस एक दो बार हमारी मुलाकात हुई है और हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। कुछ भी देखे बिना जो प्यार करे वही सच्चा आशिक है, ऐसा तुम ही ने तो कहा था। इसलिए तुम्हारी जन्म कुंडली की मुझे कोई जरूरत नहीं। आई लव यू, दैट्स ऑल। एक काम करो, यहाँ कई लोग हैं, किसी एक को आशिक बना लो। मैं कैसी लगती हूँ? एकदम क्लियोपेट्रा जैसी, सुपर। मुझे देख के तुम्हें कैसा लगता है? अरे तू जैसी सुंदरी से शादी करने वाला बड़ा भगवान होगा। मुझसे शादी करने के लिए आप में से कितने तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए। That's good। ए, ये क्या, तू क्यों हाथ उठा रहा है? कांति बाई का क्या होगा? अरे इस पटाखा के सामने कांति बाई कुछ नहीं है। थैंक यू। अब अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। देखा तुमने, मेरे हाँ कहने से मरने के कगार पे खड़े बूढ़े भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? तुम्हारा किसी और लड़की से चक्कर है क्या? सुनो खामखा मुझसे दिल मत लगाओ वरना पछताओगी। मैं गीदड़ भपकी से नहीं डरने वाली हूँ क्योंकि मैं यादव की साली हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिसे चाहती हूँ उसे हासिल करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त शिवा से प्यार करती हूँ। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को मिसेस बनाना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। जरा समझाइए। बाय। दिल को भी तो तूने छुपाया। ओ, मस्त मस्त।